नमस्कार, खबर दिनभर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिनभर की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा और उस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आती हुई। माननीय जी को यूसीसी का मतलब नहीं पता, मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव को यूसीसी का मतलब ही नहीं पता है। मीडिया से चर्चा के दौरान पत्रकारों ने पूछ लिया यूसीसी को लेकर सवाल, तो मंत्री बोले कि यूसीसी का मतलब क्या है। पत्रकारों ने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस तरह की चीजों पर शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है, उनकी तरफ से कहा गया और पल्ला झाड़ लिया। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है उसको लेकर बीजेपी क्या सोच रही है? देखो, जो भी निर्णय है, पहली बात मैं कहूँ कि हमारा जो नेतृत्व है वरिष्ठ नेतृत्व, कोई भी योजना, कोई भी स्कीम, कोई भी बात आती है तो सबसे पहले वरिष्ठ लोग निर्णय लेते हैं कि उसमें हम क्या निर्णय लेंगे, इसके बाद में फिर हम कोई चर्चा करें। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है उसको लेकर बीजेपी क्या सोच रही है? देखो, जो भी निर्णय है, पहली बात मैं कहूँ कि हमारा जो नेतृत्व है वरिष्ठ नेतृत्व, कोई भी योजना, कोई भी स्कीम, कोई भी बात आती है तो सबसे पहले वरिष्ठ लोग निर्णय लेते हैं कि उसमें हम क्या निर्णय लेंगे, इसके बाद में फिर हम। एक तरफ यूसीसी पर चर्चा, दूसरी तरफ आप देखिए माने जी, मंत्री जी को ये पता ही नहीं है यूसीसी का मतलब आखिर क्या है। कहीं ना कहीं बात घुमाते हुए नजर आए, कह दिया है कि अगर कोई योजना है यूसीसी या जो भी चीज है, जो भी बड़ा निर्णय है केंद्रीय नेतृत्व लेता है, शीर्ष नेतृत्व लेता है, उन्हीं के हाथों में निर्णय है। लेकिन बड़ी बात यह कि एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम बातचीत हो रही है, माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से बिल भी पेश किया जा सकता है आगामी विधानसभा, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट्री मीटिंग के दौरान। लेकिन इस बीच बहुत जरूरी ये कि यूसीसी का मतलब पता। विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही कि यूसीसी का मतलब जनता को समझाने की भी कोशिश और बिल की रूपरेखा क्या होगी ये भी बताने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। लेकिन इस बीच मंत्री जी से जब पूछा गया कि यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं, तो कहते हैं कि मंत्री जी यूसीसी मतलब। आगे हम जानकारी लेंगे, सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है यूसीसी, हालांकि आम जन को समझाना चाहिए फिलहाल सरकार को ये सब। लेकिन इस बीच मंत्री जी की तरफ से ये कहना कि यूसीसी का मतलब क्या है, बहुत प्रश्न खड़े करता है कि जब इतने बड़े जनप्रतिनिधि नहीं समझ पा रहे तो जनता के लिए कैसे आसान होगा। ठीक है अवंतिका, चूंकि जिस तरीके से वो प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री हैं और शाजापुर जिले के प्रभारी मंत्री हैं, जिस तरीके से पूरा मामला अभी सुर्खियों में, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हर जगह है, खासकर राजनीतिक हलकों में तो बहुत ही ज्यादा चर्चा है और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इस पर कोई बड़ा निर्णय आने वाला। ऐसे में मीडिया अक्सर जो बड़े नेता होते हैं उनसे इस बारे में सवाल करता है। यही एक वाक्य था कि आज शाजापुर वो पहुंचे थे तो सर्किट हाउस में कुछ पत्रकारों ने उनसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बीजेपी और उनकी राय जानी, तो सीधे उनसे संक्षिप्त में पूछा गया कि यूसीसी को लेकर आपकी राय क्या है। तो उन्होंने कहा यूसीसी का मतलब, उनका ये कहना ही उनको असहज कर गया और आप देख सकते हैं उसके बाद उनका जो उत्तर था वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो इस बारे में शायद ज्यादा समझ नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो भी योजना या स्कीम आती है तो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनके लिए इतने चर्चित विषय पर इस तरीके का जो प्रत्युत्तर था वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ गया। कह सकते हैं कि शायद और अच्छे से समझाने की जरूरत इस पूरी रूपरेखा को। बहुत शुक्रिया आपको सुनील जानकारी के लिए। फिलहाल मुंगेली में दो बसों की टक्कर को लेकर जानकारी सामने आ रही है। मुंगेली में दो यात्री बस आपस में टकरा गई हैं और बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। आम आदमी पार्टी की रैली से लौट रही थी एक बस सरगांव के मोहभट्टा के, पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। मुंगेली में दो बसों की आपस में भिड़ंत हो गई, तस्वीरें आप देखिए। राहत भरी बात यह है कि मामूली चोटें ही आई हैं यात्रियों को, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है। लेकिन इसके बीच भी ये गंभीर हादसा, दो यात्री बसें थी, एक बड़ा हादसा होते होते टल गया आप ये मानिए, क्योंकि अगर इस तरह की भिड़ंत होती है तो अक्सर जनहानि की सूचना सामने आती है, यानी कि एक बड़ा हादसा होते होते टला। ये तस्वीरें आप देखिए, आम आदमी पार्टी की रैली से एक बस वापस लौट रही थी, कई सारे लोग इसमें सवार थे लेकिन मामूली चोटें आई हैं, लोग ठीक हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां बीजेपी ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी की रैली को लेकर सफल बनाने के लिए राजधानी के ब्लॉक स्तर पर पार्टी की बैठकें हो रही हैं। पीएम मोदी की रैली में लाखों लोगों को लाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से लगातार जारी।
तो आप जानते हैं कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आ रहे हैं और उनके दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से भी बयान सामने आए, कहा है कि कार्यक्रम में होने के लिए शामिल अगर बुलाया जाता है तो वो जरूर जाएंगे, नहीं बुलाने पर तो भगवान के घर भी नहीं जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ में 2 कार्यक्रम हो चुके हैं जिसमें उन्हें सूचना ही नहीं दी गई थी। चुनावी साल में केंद्रीय मंत्री के लगातार दौरे पर भी तंज कसा है, कहा है कि प्रदेश बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्रियों से झूठ बुलवा रहे हैं। तो निमंत्रण देंगे तो शासकीय कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री के साथ सूचना आएगी तो प्रधानमंत्री सेवा स्वागत करने भी जाएंगे और कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन पिछले समय जब रेल का उद्घाटन हुआ आपको याद होगा ये राव घाट वाले में सूचना भी नहीं दिए थे, अभी हरी झंडी दिखाए वंदे भारत उसमें कौन सूचना दिए थे क्या? कोई निमंत्रण नहीं था। तो निमंत्रण भाई ऐसा है बुलाए तो शैतान के घर भी जाएंगे, ना बुलाए तो भगवान के घर ना जाएं। गृह मंत्री जी आए, फिर नड्डा जी आए, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए, प्रधानमंत्री आने वाले केजरीवाल वाले सब आएंगे, लेकिन सब लोग झूठ परोस के जा रहे हैं। जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कहा कि धान हम खरीदते हैं ये सबसे बड़ा सफेद झूठ है। दूसरा कल राजनाथ सिंह जी आए, अब वो कहे नक्सलवाद बढ़ रहा है। अब बताइए भला छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद घटा है कि बढ़ा है? तो कितना झूठ बोलवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। वैसे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह जी, लेकिन उससे झूठ तो ना बोलवाएं। और अब चूंकि नक्सलवाद उनके विभाग का नहीं है और कल धर्मांतरण के बारे में बोल रहे थे वो भी उनका विभाग नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे भी झूठ बोलवा रहे हैं। देखिए जब कॉमन सिविल कोड की बात आप करें तो सबसे पहले तो ड्राफ्ट सामने रखो। देखिए मैंने उस समय जो बात कही थी ये तो टारगेट करके कर रहे हैं एक धर्म विशेष के लोगों को, लेकिन उसका प्रभाव तो हिंदुओं में पड़ेगा, आदिवासियों में पड़ेगा, सब में पड़ेगा। लेकिन मैंने ये कहा, अब हमारे पार्टी की तरफ से कहा गया कि ड्राफ्ट तो लाओ आप, कॉमन सिविल कोड जो ला रहे हैं उसमें ड्राफ्ट क्या है? तो जब ड्राफ्ट आएगा तो कंडिकावार हम चर्चा करेंगे, तो ड्राफ्ट पहले जनता के बीच में लाए तो लाए, उसके बाद बात करेंगे बचत बात बात। अरे रमन सिंह को मैं बताना है उसके दिमाग में केमिकल लोचा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, वो हमारी पार्टी तय कर रही ना, चाहे चिंता कर रहे हैं। समझ देते तो रहता ही है, चेहरा कौन सा है वो पार्टी तय करेगी, मैं पहले से बोल रहा हूँ उसे प्रधान कौन। और उधर महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में शामिल होने को लेकर छत्तीसगढ़ में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि अजीत पवार शरद पवार की ताकत घटा रहे हैं, अजीत पवार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अजीत पवार जी को ऐसा नहीं करना था, और अगर ऐसा करके वो शरद पवार जी का कद को घटाने का, उनका ताकत को घटाने का जो काम कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स में उनको बहुत नुकसान होगा। आज पूरा देश एक हो रहा है सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए, और ये डूबती नैया में जो सवार होने जा रहे हैं इनके लिए नुकसान भरा है। और इसी मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और ऊंचा हो चुका है, देश से लेकर विदेश तक हर कोई उनसे जुड़ना चाहता है। देखिए मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व और पूरा देश उनके ऊपर में विश्वास कर रहा है। नौजवान महिलाएं बच्चे सबके लिए मोदी जी ने 9 साल में जो काम किया है इसके कारण उनका सम्मान और उनका कद बहुत ऊंचा हुआ है, और इसलिए देश के किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों वो मोदी जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ना चाहते हैं। और महाराष्ट्र के अभी जो घटनाक्रम है वो उसी का परिणाम है कि लगातार मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। और अब आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के धर्मांतरण पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है। देखिए कांग्रेस लगातार मैं कहूंगा संरक्षण दे रही है तुष्टीकरण को, और उस तुष्टीकरण के तहत धर्मांतरण हो रहा है। और अब जशपुर में जब एक पादरी पकड़ाते हैं रंगे हाथ धर्मांतरण करते तो उन पर FIR होती है, परंतु भूपेश बघेल जी ने स्वयं कहा था कि अब धर्मांतरण जैसी चीजें होंगी तो उनपे रासुका लगाया जाएगा, पर उनपे रासुका क्यों नहीं लगाया गया? और मैं कहता हूं कि धर्मांतरण की कार्यवाही को अगर भूपेश सरकार नहीं रोकेगी तो अब सरगुजा और बस्तर का आदिवासी रोड की लड़ाई लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी।
टमाटर के दामों को लेकर चर्चा कर लेते हैं। मनेन्द्रगढ़ जिले में टमाटर के दाम एक बार फिर से आसमान छूने लगे। जिले में 120 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। टमाटर के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए। लोग पाव भर टमाटर भी नहीं खरीद पा रहे। लगातार बारिश होने की वजह से ऐसी स्थिति सामने आई। में पिछले बीते दिनों 5 से 6 दिन से लगातार बारिश होने के कारण टमाटर में अचानक जो है वृद्धि हुई है। आम हो या खास, सभी के किचन से टमाटर गायब हो सका। आप देख सकते हैं ये टमाटर है और लगातार यहाँ पे लोग जो है रेट सुन के चले जा रहे हैं, या फिर जो 1 किलो 2 किलो लेते थे वह 1 पाव ले रहे हैं। क्या भाव है टमाटर का? 120 रुपए किलो भैया। अचानक कैसे बढ़ गया? मंडी में क्या रेट चल रहा है? मंडी में 2500 रुपए की रेट चल रहा है। देख सकते हैं कि लगातार जो रेट जो बढ़ गए हैं और मंडी का भाव भी है वो बता रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कितना ले रहे हैं टमाटर? 1 पाव। क्या है अचानक आप 1 पाव ले रहे हैं? महंगाई बढ़ गई है, इसलिए 1 पाव ले रहे हैं। महंगाई बढ़ गई और भी कुछ जो है सब आप टमाटर के अलावा और कुछ भी लिए? देख सकते हैं कि महिला है और 1 पाव टमाटर लिए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैडम कितना टमाटर ले रहे हैं आप? मैंने 1/2 किलो लिया है टमाटर। इतना रेट बढ़ गया है, आप मतलब बैलेंस तो करना होता ना बजट को। आप किचन का बजट कितना हाई पे लेके जाओ, कोई भी सब्जी है वो बिना टमाटर के बनेगी नहीं। तो हमको अपना बजट भी देखना होता है कि सिर्फ टमाटर ही खाएं, सब्जी खाएं कि क्या खाएं। दाल के रेट अलग है, तो बैलेंस करने के लिए उसको कम करना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं हैं जो गृहिणी संभालती है, वह 1 पाव या 1/2 किलो टमाटर ले रही हैं, जो कि पहले 1 किलो या 2 किलो लेते थे। ऐसे आम हो या खास, सभी के किचन से जो है टमाटर गायब हो गया है। अब थालियों में टमाटर जो है नहीं मिल रही है। सुजीत शाह, News 18 छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर में प्रोडक्ट्स के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय नाइजीरियन ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरे ही देश में ठगी को अंजाम देने वाले ठगों ने एक बार फिर से प्रोडक्ट्स देने के एवज में रकम जमा कराना शुरू किया था। नाइजीरियन ठग वॉल्टर लुइस को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अंबिकापुर के एक शिक्षक का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। एक शिक्षक पानी की टंकी पर चढ़कर नौटंकी करते नजर आया है। वीडियो सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत उदयपुर का बताया जाता है, जहां पर शराबी शिक्षक टल्ली होकर टंकी पर हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। स्थानीय लोगों ने समझाइश दी, उसके बाद जैसे तैसे टंकी से इस व्यक्ति को नीचे उतरवाया गया। छत्तीसगढ़ में लोग रील्स बनाने और वीडियो वायरल करने के लिए, मशहूर होने के लिए इतने शौकीन हैं कि खतरनाक स्टंट भी करते आजकल नजर आते हैं। पुलिस इन पर कार्रवाई भी कर रही है और समझाइश भी दे रही है। लेकिन इसके बीच भी अंबिकापुर से जो वीडियो सामने आया, ये भी आप देखिए, महज 6 साल का एक बच्चा कार चलाता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बैक सीट पर और साइड सीट पर कई सारे लोग भी बैठे हैं। ये वीडियो जरूर वायरल हुआ है, लेकिन ये जान के लिए खतरनाक हो सकता है, ये समझने की जरूरत है। UCC यानी कि समान नागरिक संहिता, जिस पर सियासी विवाद मचा हुआ है और उस बीच संसद के मॉनसून सत्र में सरकार UCC बिल ला सकती है। इस बिल को लेकर सियासी दलों की अपनी अपनी अलग अलग राय हैं। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल UCC के विरोध में खड़े हैं, लेकिन इस बीच कई संतों और कथावाचकों ने UCC को लेकर अपना स्टैंड साफ किया है। चलिए देखते हैं UCC को लेकर देश के बड़े बड़े कथावाचकों का क्या कहना है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? जब से भोपाल में पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया है, सूबे में इसे लेकर काफी सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जरूरत पर जोर दिया है। इसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि केंद्र सरकार इसे लागू करने को लेकर गंभीर है। मुश्किल ये है कि कांग्रेस सहित पार्टियां UCC के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। कई दलों को सभी के लिए एक समान कानून के विचार से ऐतराज है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार मॉनसून सत्र में ही UCC बिल को रख सकती है। बहरहाल UCC बिल के सियासी समर्थन और विरोध के बीच संतों और कथावाचकों ने भी अपनी राय रखी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने UCC बिल का पुरजोर समर्थन किया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से देश में आपसी समरसता बढ़ेगी और आपसी फूट की खाई पड़ जाएगी।
कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी और फूट जो है फूट की पाट मिटेगी, खाई मिटेगी। एक विधान एक कानून होना चाहिए। वहीं कथावाचक जयकिशोरी ने भी यूसीसी का समर्थन किया है। जयकिशोरी ने कहा कि जो भी काम देश के हित में हो, अच्छा हो और शांति से हो, वो जरूर करना चाहिए। जो भी काम देश के हित में हो, अच्छा हो, शांति से हो, और वो जरूर करना चाहिए जो देश के हित में हो और देश के लिए लोगों को आगे बढ़ाए। आई थिंक दैट्स बड़े कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने भी यूसीसी का पूरा समर्थन किया है। कहा है कि इससे धार्मिक एकता बढ़ेगी, सभी धर्म के लोग एक साथ बैठेंगे। कॉमन सिविल कोड जो लेकर आ रहे हैं एक देश का एक कानून के अंतर्गत, तो हमारा तो यही कहना है कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान देगी तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम सब की एक जाजम पर बैठ सकेंगे, हम सब एक कालीन पर बैठ सकेंगे। आज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रत्येक धर्म का व्यक्ति अलग अलग बातें कर अपने धर्म को विशेष बताता है और विवाद उत्पन्न कर कहीं ना कहीं हमारे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। तो जब एक जाजम पर बैठेंगे, एक धर्म के अंतर्गत चलेंगे तो सुख कानून पर। वहीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी यूसीसी पर अपनी राय रखी है। जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की हमारे देश में छूट दी गई। अब लोगों के मन में ये भावना हो रही है कि भाई हम भी तो धर्म के अनुसार रह सकते हैं, हमारा भी तो पर्सनल लॉ है, हमारे भी तो धर्मशास्त्र हैं, हमको हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार आप नहीं रहने दे रहे हो और कुछ लोगों को रहने दे रहे हो। तो अब ये बात बलवती हो रही है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि या तो हमको भी अपने धर्मशास्त्र के अनुसार पर्सनल लॉ के अनुसार रहने दो और या तो करना है तो फिर सबके लिए करो। हिंदुवादी संगठन लंबे समय से एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मौकों पर समान नागरिक संहिता को लागू करने की अपील कर चुका है। तर्क ये है कि एक परिवार में दो लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों। बहरहाल माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल और इस बिल पर घमासान देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर दिनभर में इतना ही, नमस्कार।